हेलो फ्रेंड्स, सुषमा गौड़ फैमिली में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैं तीन कलर की ऊन लेके आई हूँ। इससे मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊँगी किस तरह बनाई जाती है। ये 26 जनवरी के उस पे मैं ये ड्रेस बना रही हूँ और ये ड्रेस देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और ये देखिए, 12 नंबर की क्रोशिया है, मैं इसी क्रोशिया से ही बनाती हूँ। चलिए तो हम आपको ड्रेस बनाना बताते हैं। अगर ड्रेस आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना ज़रूर। चलो देखिए, मैं आपको ड्रेस बनाना बताती हूँ कि ड्रेस किस तरह बनाई जाती है। ये देखिए, मैंने चोली पहले से ही तैयार कर रखी है और ये बड़े ठाकुर जी की है, 4 या 5 नंबर के ठाकुर जी को बड़े आराम से आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने हर एक उसमें डबल 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 सिंग सिंग डबल क्रोशिया सब में बनाया है। ये देखिए, सब में हर एक चेन में मैंने डबल बनाया है। अब यहाँ से मैं आपको बनाना बताऊँगी कि आगे कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 की चेन ली, 1 2, फिर इसको मैंने धागा ऐसे किया। और ये देखिए, ये पीछे का हमारा, ये हमें फ्रंट पोर्ट्स बनाना है। ये देखिए इस तरह, ये हमारा बन गया। फिर हमें ये जो हमारा ये होल है, ये होल सा जो दिख रहा है, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें ये वाला छोड़ के फिर ये डबल वाले में हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह उठा के ऊपर से इसको ऐसे, इसको धागे को हमें ढीला ही रखना है, टाइट हाथों से नहीं बनाना है। ये देखिए, फिर हमें इसमें एक सिंगल क्रोशिया, पूरे राउंड को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आए तो। ये देखिए इस तरह, ये पूरे उसमें हमें इसी तरह ही पूरा राउंड हमें इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमें ये हमें ऊपर ऐसे उठा के इसको इस तरह ऐसे बनाना है। और ये हमें थोड़ा ढीला ही ढीला बनाना है, टाइट हाथों से नहीं बनाना है। ये देखिए, ये छोड़ा इसमें हमने, ये देखिए मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसको ज्वाइन करके बताती हूँ। ये देखिए, जो मैंने 2 चेन बनाई थी, ये मुझे इसमें नहीं ज्वाइन करना है, ये इसके आगे वाले इसमें। ये देखिए इस तरह मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। ये देखिए भी इस तरह बनाया। और ये जो हमारा इसमें है, हमने इसमें एक चेन बनाई। अब हम ज्वाइन करेंगे इसको इसमें। ये देखिए इस तरह। अब हम फिर से इसमें 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर हम ऐसे ही करेंगे। और हमें ये जो हमने 2 चेन ली थी, इसके साथ हमें नहीं उठाना, सिर्फ हमें ये फ्रंट पोस्ट वाला उठाना है। इसमें हमें फिर ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, और ये इसकी जगह पे हमें 1 चैन लेंगे, फिर हम इसी में एक और बनाएंगे। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए, फिर हमें फ्रंट इसको उठाना है ऐसे। धागा हमें थोड़ा ढीला ही रखना है, टाइट नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसमें खिंचाव आएगा। ये देखिए, 1 चैन ली, फिर ये इसमें, ये पूरा राउंड हमें इसी तरह ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने ये राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको इसमें जॉइंट करूँगी। अब यहाँ से मैं इसमें वाइट कलर का धागा लगाऊँगी। ये देखिए, और इसको नीचे रख के इस तरह देख लेना चाहिए कि घेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है ना, खिंचाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊन के हिसाब से हमें चैन लेनी चाहिए। ऊन मोटी पतली भी हो जाती है। वैसे देखिए बिल्कुल ठीक आया है इसका घेरा। अब इसमें यहीं से मैं वाइट रंग की ऊन अटैच करूँगी। देखिए,
यहाँ पे इसको जॉइंट करके ये हमारी ऊन यहाँ जॉइंट हो गई। अब एक दो दो की चैन बनाई और ये हमारा ये देखिए फन फोर, इसको हम इस तरह लेंगे। फिर हमने एक चैन बनाई, अब इसमें हमें यहाँ नहीं इसमें हमें तीन बनाना है, एक दो और एक ये तीन, हमारा तीन हो गया। अब ये देखिए फिर हम फ्रंट पुश इस तरह उठाएंगे, फिर हम एक चैन लेंगे, फिर हमें ये दो छोड़ के ये वाले होल में हमें इसमें हमें तीन बना फिर से बनाना है। ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये देखिए सब में हमें तीन तीन इसी तरह बनाना है। ये देखिए ये कुछ हमारा इस तरह आएगी लहर, ऐसे पूरे राउंड में हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने ये दूसरा राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लिया है वाइट रंग से। अब मैं इसमें ग्रीन जोड़ूंगी और ये देखिए बिल्कुल आपको इस तरह बनाना है कि बिल्कुल घेरा बिल्कुल गोला है, कटोरी जैसा नहीं बनना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से बैठ गया है। अब इसमें मैं आपको ग्रीन जोड़ के बताऊँगी कि ग्रीन का धागा कैसे इसमें बनेगा। एक दो ये देखिए इसे हम उठाएंगे ऐसे, फिर ये जो हमारा होल दिख रहा है ना ये इसमें हमें चार बार लेना है। पहले हमने तीन बार लिया, अब इसमें हमें एक ये देखिए ये हमने ये बनाया, फिर हमने इसमें एक चैन ली, अब हम इसमें चार बार लेंगे सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन ये देखिए ये हमारा चार चार बार हो गया। फिर हम इसको ऐसे करके इस तरह ज्वाइन कर लेंगे, ये हमें ढीला ढीला ही लेना है, टाइट नहीं लेना। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर हमें इसमें चार बार एक दो तीन चार, फिर हमें फ्रंट पोस्ट को उठाना है इस तरह, फिर हम इसमें चार। ये राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन का बटन दबाना जिससे मेरी नई वीडियो आपको पहले देखने को मिले। शेयर भी करना आपको ये ड्रेस कैसी लगी। ये देखिए ये ड्रेस कुछ इस तरह आएगी। अभी मैं ये पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ ये किस तरह आएगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्रीन वाले से पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कुछ इस तरह आया है। इसका घेर आप नीचे रख रख के आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए बिल्कुल एकदम गोल आया है।
और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज़ आपको ये ड्रेस अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ड्रेस आपको कैसी लग रही है, और बेल आइकन का बटन दबाना जिससे कि क्या नाम है आपको मेरी वीडियो पहले देखने को मिले और इससे भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आपको देखने के लिए मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना आप। देखिए मैं इसके आपको आगे बताती हूँ, इसे ज्वाइंट करना। ये देखिए इसे अब हम जैसे हरवीर ज्वाइंट करते हैं इसी तरह इसको हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। अब इसमें एक दो दो की चैन बनाई। अब इसमें हम ना पॉप स्टिच बनाएंगे, ये देखिए इस तरह एक दो तीन। धागा इस तरह पकड़ेंगे, इसको इस तरह निकालेंगे। ये देखो धागा हमने इस तरह पकड़ा, इन सारों को ऐसे निकाला, इसमें धागा ऐसे फंसा के ऐसे निकालेंगे, ये इस तरह बनेगा। फिर इसमें हम लोग ऐसे ही बनाएंगे एक दो तीन। धागा हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे किया, इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। दो तीन चार, ये देखिए इसी तरह हमें ये सारे उसमें पफ स्टिच बनाने हैं। तीन चार, दो तीन, इसी तरह हमें ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। और ये देखिए हमने यहाँ एक और इसमें बनाई एक दो तीन चार, ये देखिए। अब हम इसमें एक दो दो की चैन लेंगे। अब हमें इसमें नहीं बनाना है, हमें इसमें बनाना है इस तरह एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इसी तरह हमें ये हर एक उसमें ये छोड़ छोड़ के इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह कुछ पफ आएंगी इसमें। अगर आप पफ नहीं भी बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है, अगर ड्रेस आपको बड़ी लग रही हो तो आप पफ ना बनाए, इस तरह भी ये ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी बिगर पफ के भी। ये देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको मेरी नई वीडियो देखने को सबसे पहले मिले। ये देखिए अगर आपको पफ नहीं बनाना है, ये देखिए आप पफ भी बना सकते हैं और इस तरह का इसमें डिज़ाइन भी इस तरह डाल सकते हैं, इसे देखने में ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, और अब हम इसको इस तरह अटैच कर देंगे। अब फिर हम इसमें हर एक चेन में हमें एक एक बनाना है। ये देखिए, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करें। और ये देखिए इस तरह ये बॉर्डर पूरा बनेगा।
ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। किनारी तो आप अपने चॉइस के हिसाब से भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। मैंने आपको दोनों तरह बनाना बता दिया है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह कुछ, ये इस तरह का बॉर्डर आएगा पूरे उसमें। ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी ये पूरी ड्रेस बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अगर ड्रेस आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे। ये देखिए मेरी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बाल गोपाल पहनेंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। और ये ड्रेस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना अपने दोस्तों में, और बेल आइकन का बटन दबाना जिससे कि आपको मेरी वीडियो पहले देखने को मिले। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।